नमस्ते, सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग की D20 सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे कुछ अद्भुत कलाकृति, और इस कलाकृति को बनाने के लिए आपको चाहिए टेम्पलेट से प्रिंट किया हुआ ये प्रिंट, थोड़ा सा गोंद, एक कैंची या कटर, ये कुछ फ्लैप्स जो इसके टेम्पलेट में से ही हमने काटे हैं, और एक रूलर। इस कलाकृति के लिए जो प्रिंट चाहिए उस टेम्पलेट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब इस प्रिंट को कैंची या कटर से पीली रेखा से काट लें। ध्यान रखें कि कुछ कुछ कटिंग्स या पीली रेखाएं इस प्रिंट के बीच में भी हैं। ऐसा करने के बाद आपको इस प्रिंट से दो टुकड़े मिल जाएंगे। अब इन टुकड़ों को इन फ्लैप्स की मदद से हम आपस में चिपका लेंगे। ऐसा करने पर एक टुकड़े से हमें 3 घन यानी 3 क्यूब्स मिलेंगे, और दूसरे टुकड़े से 6 घन यानी कि 6 क्यूब्स मिलेंगे। अब इनको फोल्ड करके एक रफ स्ट्रक्चर बना लेंगे जो कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम इन अलग अलग क्यूब्स को भी गोंद की मदद से चिपका देंगे। इस तरह से इसमें टोटल 6 क्यूब्स हैं, 3 ये 2 ये 1 ये। अब हमारे पास 2 पार्ट्स हैं, एक 3 क्यूब्स के साथ तो दूसरा 6 क्यूब्स के साथ। अब हम इन दोनों पार्ट्स को किसी भी ट्रांसपेरेंट शीट पे चिपका लेंगे, लेकिन चिपकाते समय ध्यान रखना है कि इनकी अरेंजमेंट्स ठीक तरीके से हो। शुरुआत में मैं ये 6 क्यूब्स वाला पार्ट लेता हूँ, और इसके सिंगल वाले क्यूब को जो सबसे ऊपर की तरफ है उसको नीचे करके चिपका देता हूँ, कुछ इस तरह से। तो आप देख रहे हैं कि 1 क्यूब, उसके ऊपर 2 और उसके ऊपर 3 क्यूब्स हैं। अब इस 3 क्यूब वाले पार्ट को हम इस शीट पर कुछ इस तरह से चिपकाएंगे कि जो ये अधूरी तस्वीर श्री राम दरबार की आपको दिख रही है वो ये चिपकाने से पूरी नजर आए, कुछ इस तरह से। तो इसको मैं यहाँ पर ग्लू की सहायता से चिपका देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि ये 6 क्यूब्स वाला पार्ट है और ये 3 क्यूब्स वाला पार्ट है। दोनों को इस तरह से चिपकाया गया है कि ऊपर आपको श्री राम दरबार की तस्वीर साफ दिख सकती है। कुछ इसी तरह से दूसरी तरफ से आपको बंदी छोड़ दिवस की शुभकामनाएं वाली तस्वीर दिखेगी। अगर हम इसको घुमा लें तो आपको ऊपर की तरफ यहाँ पर महावीर स्वामी निर्वाण दिवस पावापुरी की तस्वीर दिखेगी जो यहाँ पे आपको दिख रही है। इसी तरह से इसके एक तरफ आपको भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए दिखेगी। इसके एक तरफ आपको श्री लक्ष्मी जी और श्री गणेश जी की तस्वीर दिखाई देगी, तो इसके दूसरी तरफ आपको शुभ दीपावली की शुभकामनाएं लिखी हुई दिखाई देंगी जिसमें दिया जलता हुआ नजर आ रहा है। एक रेगुलर 3x3 के क्यूब का वॉल्यूम 27 यूनिट होता है। इस कलाकृति में अगर आप देखेंगे तो हमने कुल 9 क्यूब यानी कि 9 घन इस्तेमाल किए हैं, उनका वॉल्यूम कितना है। दूसरी तरफ एक रेगुलर 3x3 के क्यूब यानी कि घन का सरफेस एरिया कितना होता है, उसके कंपैरिजन में इस कलाकृति का सरफेस एरिया कितना है, आप ये निकाल कर देखिए। और इस दिवाली जब भी आप अपने दोस्तों रिश्तेदारों से मिलें और वो आपसे आपके करियर, जॉब या पढ़ाई के बारे में पूछें, तो उनसे ये सवाल करें। धन्यवाद।